हेलो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज नुमाली। आज हम बात करेंगे कि मुझे प्यार हुआ था ड्रामे में माहिर के वलीमे पर क्या तमाशा लगने वाला है। यहाँ पर आपने देखा टीजर में कि एक बहुत बड़ा धमाका कर देगी फरहा, आकर कुछ करेगी इस तरह की बातें कि यहाँ पर अच्छी खासी टेंशन क्रिएट होगी। क्या बन सकता है एग्जैक्टली सिनेरियो, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे लेटेस्ट एपिसोड के कुछ अच्छे कुछ स्टूपिड सीन्स को भी। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले नंबर पे मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि यहाँ पर माहिर की माँ इतनी ज्यादा आखिर खुश क्यों है। मतलब इसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर तो सैडनेस ही होनी चाहिए। वो शादी की तकरीब में इतना खुश देखने को मिल रही थी कि जैसे उसको तो बिल्कुल भी अफसोस ही नहीं, जबकि इसके करेक्टर को बिल्कुल भी खुश होना नहीं बनता। और वो सैड किस बात को सुन के हो रही है कि अरीब की इंगेजमेंट तय हो गई है, उसकी माँ ने बात पक्की कर दी है। ये बात सुन के उसका मुंह बन जाता है। बंदा पूछेगा क्या वो बैठा रहेगा इंतजार करता रहेगा, या ऐसे में तुम अपनी बेटी की रुखसती करवा रही हो तो तुम्हें किस चीज की टेंशन है अब, या तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी बेटी की रुखसती के बावजूद वो आएगा और आकर लेकर चला जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बॉडी लैंग्वेज लगी मुझे लेटेस्ट एपिसोड में माहिर की माँ की, शायद आप लोगों ने भी नोटिस की हो। दूसरे नंबर पे आपने दिखाया गया घर के अंदर ही, चलो ठीक है रुखसती का फंक्शन हो गया, बड़ी हैवी ज्वेलरी तो उसने पहनी है, सब कुछ परफेक्ट है। घर के अंदर फंक्शन होते हुए ना इतनी हैवी ज्वेलरी के साथ इतना ज़्यादा स्पेसिफिक ड्रेस नहीं पहनती लड़कियाँ। हाँ ठीक है रेडी होती हैं लेकिन शायद इतना ज़्यादा नहीं, चलो ठीक है वो एक अलग बात है। आपने जो एक छोटी सी लोकेशन दिखाई जहाँ पर इसकी रुखसती हो रही थी वो तो अच्छे से सजा रखी है, लेकिन उसका कमरा क्यों नहीं सजाया भाई। कमरे की तो हालत ऐसी थी कि इतनी शायद किसी बैचलर के कमरे की भी ना हो। आप इसकी बेड पे थोड़ा सा गौर करें, कितनी अजीब सी बेडशीट है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा लग रहा कि जहाँ पर एक अच्छी खासी ऑर्गेनाइज्ड फैमिली हो और वो रुखसती दिखा रही है और आगे से इतना सिंपल बेड, इतना सिंपल कमरा। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। यहाँ पर हो सकता था कि कुछ थोड़ी बहुत फ्लावर डेकोरेशन हो जाती ताकि एक फिलर आता है कि हाँ रुखसती के बाद के सीन यहाँ पर चलेंगे। सबसे ज़्यादा जो स्टूपिड सीन लगा ना मुझे लेटेस्ट एपिसोड में वो ये कि यहाँ पर आपको जो दिखा दिया गया कि जहाँ पर ये जो फरा की फैमिली दिखाई गई है, इनको ये दिखाया गया कि हाँ भाई ये फाइनेंशली स्टेबल नहीं थे तो इनके मामू सपोर्ट करते रहे हैं, यानी कि अरीब की माँ के हस्बैंड सपोर्ट करते रहे हैं इनको और फिर कहीं जाकर उनका गुजर बसर हो रहा था। दैट मीन्स कि फाइनेंशली स्टेबल नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब देखती है ये लड़की। तो अरीब की माँ को तो बड़ा शातिर नहीं दिखाया गया था। जहाँ तक मुझे याद है अरीब की माँ कहती थी कि मैं अपने बेटे की शादी इस पूरे शहर के सबसे बड़े घराने में करूँगी। तो चलो मान लो एक बात कि उसने अपने शौहर की भी कुर्बानी दे दी इतनी सारी चालें चल के, यहाँ पर उनको इन्फॉर्म नहीं किया और माहिर से भी कम खूबसूरत दिखने वाली लड़की पर वो शादी के लिए राजी हो गई है। उसको लेटेस्ट एपिसोड में कह रही है कि ओ माय गॉड यू आर लुकिंग सुपर्ब, वो चीज़ भी समझ में आती है। लेकिन फिर इसने आखिर देखा क्या, ये तो फाइनेंशली स्टेबल भी नहीं है, तो आखिर क्या रीज़न बनी कि अरीब की माँ जो है वो इतना ज़्यादा फरा को लाइक करेगी, वो माहिर को लाइक नहीं करना चाहती थी। आपने तो आई थिंक यही शो कराया कि वो शायद फाइनेंशली इतना स्टेबल नहीं है माहिर की फैमिली, जिसकी वजह से इसकी माँ ने ये सारी चालें चली। तो इत्थे की है क्या फरा की साइड से उसको क्या मिल जाना है, या कौन सा ऐसा स्टेटस सिंबल है जो उसका बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर करते हुए दिखाना चाहिए इन लोगों को, अगर नहीं दिखाएंगे तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी इस ड्रामे की, क्योंकि ये रीज़न क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अरीब की माँ इतना ज़्यादा फरहा के लिए क्यों इंटरेस्टेड है, वो माहिर के लिए इंटरेस्टेड क्यों नहीं थी। ये तो आपने बड़े अच्छे से दिखाया, और फरा भी वो जो कि पहले से ही दिमाग में बनाकर सोच कर बैठी है कि जिस तरह से मुमानी इतनी हकारत की नज़र से देखती थी तो मैं अब यानी कि फुल टाइम बदले लूँगी। तो क्यों नहीं भैया, ये जो हकारत की नज़र से पहले देखती थी, अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसको इतनी एमरजेंसी में यहाँ पर शादी करनी पड़ रही है। नेक्स्ट एपिसोड ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर होगा वलीमे का सीन। पहले तो वलीमे पे माहिर बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही, ये मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ अच्छी लगती है वहाँ पर भी बताता हूँ। घर में ही एक कमरे से दूसरे कमरे तक रुखसती हुई, अब वलीमे का फंक्शन चल रहा है, वो कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। तो इस पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि मतलब सबसे पहले तो जो एक दिन पहले वहाँ पर इतना बड़ा हंगामा हुआ, इंगेजमेंट होनी थी फरहा की हमारे अरीब के साथ, तो अरीब घर से बाहर आ समंदर के किनारे पे माहिर की यादों में, तो वो नहीं पहुँचा टाइम से। पीछे से आपको दिखाया जाएगा कि अच्छा खासा तमाशा होगा,
लोग चार बातें सुना के अरीब की माँ को वहाँ से चले जाएंगे, फरा भी बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होगी और उसकी माँ भी। तो फिर दिखाया जाएगा कि जिस टाइम फरा जाती है सीधा अरीब के कमरे में और वहाँ जाकर ये खोज लगाने की कोशिश करती है कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिसकी वजह से अरीब मुझे कंटिन्यूसली रिजेक्ट करता आ रहा है, तो वहाँ पर नज़र आएगी उसको माहिर की पिक्चर, जिसको वो दे के मारेगी ज़ोर से ज़मीन पर, और ऐसे में अरीब को आते हुए दिखाया जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा, वो माहिर के पिक्चर को पकड़ेगा और उससे पूछेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे पे बिना मेरी परमिशन के आने के। तो वो आगे से बड़े टैके से कहेगी कि इस लड़की को मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल बार फेंकूंगी, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ, उसको तड़ियाँ लगाएगी। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि अरीब की माँ भी कहेगी कि तुम्हारी शादी अगर होगी तो वो फरहा से ही होगी। अरे फरहा में क्या नज़र आ गया तुझे, क्या वो अमीर है, क्या वो माहिर से ज़्यादा प्यारी थी, आखिर रीज़न क्या है भाई। खैर किस्सा मुख्तसर ये, अभी जो फरहा है ना ये बड़ी पार्टी बन के जाएगी सीधा माहिर की वेडिंग पे, इतना ज़्यादा ना मतलब किसी के भी अंदर पानी नहीं होता कि वो डायरेक्टली किसी की वेडिंग पे जाके इस तरह से तमाशा लगाए। खैर ड्रामों में तो कुछ भी दिखाया जा सकता है। उसके वलीमे पर जाके डायरेक्टली उसके मुंह पर कहेगी कि वाह 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 क्या बात है माहिर अजहर, तुम कितनी करेक्टरलेस कितनी चीप हो, इस तरह की बातें कर सकती है कोई लड़की भरी महफल में सबके सामने। खैर बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है, इसको कैसे फेस करेगी माहिर और सबसे बढ़ के साथ का रिएक्शन क्या होगा, क्या वो लोग पूछेंगे कि भैया ये कहाँ से आई है, कौन लड़की है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन क्या देगी। ये ऑब्वियसली सबको यही बताएगी कि ये जो लड़की बैठी है इस टाइम कर रही है अपनी रुखसती के बाद वलीमे की तैयारी, तो ये जो लड़की है इसकी वजह से मेरा जो कज़न है वो बहुत डिसहार्ट है, इसने उसके साथ धोखा किया, ये यहाँ पर ज़िंदगी में मूव ऑन कर गई है, वो रोग लगा के बैठा है। तो इस तरह की बातें हो सकता है कि सबके सामने ये करे, जिसके बाद ऑब्वियसली हमारी जो माहिर है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगी और उसको फिर से इमोशनल सपोर्ट दे रहा है साथ, उसको कह रहा है कि तुम बेफिक्र हो जो तुम ठीक रहो, तुम्हें अपने आप को अपसेट नहीं करना, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी लेकिन मैं कदम कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। पहले मॉल में उसको देख के काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी और वलीमे पे अगर थोड़ी सी खुश थी हंस रही थी तो हो जाता ये तमाशा। तो इस तरह से नेक्स्ट एपिसोड भी अच्छी खासी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना पसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ। सदाएं सुनो जफाएं सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी लेले बनाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुझे अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम्ही हो तुम्ही आसरा, दुआएं सुनो सदाएं सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। तो दोस्तों मेरी लेटेस्ट वीडियो आई है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जहां पर मैंने पाकिस्तान के बेस्ट ओएसटीज को सिंक किया है, काफी ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। अगर आप लोगों की नजर से ये वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।